हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि किस तरह से प्लांट में मूवमेंट देखा गया। कौन कौन से प्लांट में मूवमेंट देखा गया था? सबसे पहले इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है डेस्मोडियम गाइडेंस, और दूसरा प्लांट था टचमिनॉट, जिसका साइंटिफिक नेम था मिमोसा पुदीका। तो ये दोनों प्लांट में किस तरह से मूवमेंट हो रहा था, किस तरह से उसमें स्टिमुलस जनरेट हुआ, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। अगर एक चीज जस्ट पूछे तो क्या बोल सकते हैं कि डेस्मोडियम गाइडेंस में जो मूवमेंट देखा गया उसका मेन कॉज क्या था? उसका मेन कॉज था सनलाइट। ये सनलाइट की वजह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। अगर हम पूछे मिमोसा पुदीका में कॉज क्या था मूवमेंट का, तो उसमें मूवमेंट का कॉज था टच। टच क्यों बोला गया? और टच के लिए हम स्पेशल वर्ड कौन सा यूज करते हैं? सीस्मोनास्टिक। तो सीस्मोनास्टिक वर्ड आता है स्पेशली टच के लिए। और लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं कि किस तरह से ये दोनों रिस्पॉन्ड कर रहा था टच और सनलाइट के अगेंस्ट। टच और सनलाइट दोनों ही स्टिमुलस का काम कर रहे थे। टच कर रहा था मिमोसा पुदीका के केस में और सनलाइट कर रहा था डेस्मोडियम गाइडेंस के केस में। आज हम लोग जानेंगे कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस का क्या रोल रहा है प्लांट में मूवमेंट, प्लांट में सेंसिटिविटी, प्लांट में रिस्पॉन्स के बारे में उन्होंने क्या बताया है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है सर? जगदीश चंद्र बोस फर्स्ट मॉडर्न इंडियन साइंटिस्ट फॉर द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड रेडियो एंड द माइक्रोवेव ऑप्टिक्स। मतलब इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया रेडियो एंड माइक्रोवेव। रेडियो वेव कौन क्या होता है? रेडियो वेव जो हम एफएम रेडियोस में सुनते हैं वहाँ पे जो वेव्स निकलती है उसे हम कहेंगे रेडियो वेव। अगर बात करें माइक्रोवेव क्या है, जो माइक्रो ओवेंस में जो हम सामान रखते हैं गर्म करने के लिए या फिर भी, तो वहाँ पे जो वेव निकलती है उसे हम कहेंगे माइक्रोवेव। तो ये दोनों वेव का डिस्कवरी किसने किया था? आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने। इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट क्रिस्कोग्राफ। अगर हम बोले कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट को डिस्कवर किए, इन्वेंट किए, तो इन्होंने इन्वेंट किया था एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है क्रिस्कोग्राफ। अगर पूछिए क्रिस्कोग्राफ करता क्या है, क्रिस्कोग्राफ प्लांट में जितने भी सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स होते हैं सबको मेजर करता है। तो क्रिस्कोग्राफ क्या करता है? प्लांट के केस में जितने भी सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स होते हैं उनको मेजर करता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्या है सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज वर, देयर इज इंटीमेट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द फेरमोन प्रेशर ऑफ अ प्लांट सेल। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से डेस्मोडियम गाइडेंस में और टचमिनॉट प्लांट में टर्गर प्रेशर जनरेट हो रहा था, टर्गर प्रेशर कम हो जा रहा था, तो ये इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में और टर्गर प्रेशर के बीच में। अब अगर आप पूछेंगे कि कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में बताइए, तो दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि मेरे पास अगर 2 लीटर पानी पीने का पोटेंशियल होगा तो हम 2 लीटर पानी पी पाएंगे। तो इनका ये कहना था कि अगर प्लांट के अंदर जितना पानी को एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल होगा उतना ही पानी को वो एब्जॉर्ब करके अपना टर्गर प्रेशर को बढ़ाएगा। अगर उसके पास 2 पास्कल प्रेशर का यूनिट है, अगर वो 2 पास्कल प्रेशर पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो वो प्रेशर कितना जनरेट कर सकता है? 2 पास्कल ही प्रेशर को जनरेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितना प्लांट का पोटेंशियल होगा उतना टर्गर प्रेशर वो जनरेट कर सकता है, जितना प्लांट के पास पोटेंशियल कम होगा वो उतना कम टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा। सिंपल सा चीज इन्होंने क्या कहा कि टर्गर प्रेशर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उसके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा पानी को एब्जॉर्ब करने का तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करके अपना टर्गर प्रेशर को बढ़ाएगा, अगर उसके पास कम पोटेंशियल होगा तो फिर वो नॉर्मल टर्गर प्रेशर पे काम करेगा। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा टर्गर प्रेशर, ये बताया था किसने? आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्या बोले थे उन्होंने? स्टिमुलाई लाइक द चिलिंग, हीटिंग, कटिंग, टचिंग रिजल्ट इनटू रिस्पॉन्स इन प्लांट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी तरह से प्लांट के किसी पार्ट को चिल कर दे, चिल करना मतलब अगर हम प्लांट के रूट्स में पानी देते हैं उसको ग्रो करने के लिए, लेकिन पानी की जगह अगर हम वहां पे बर्फ डाल दें तो वो तो उस स्पीड से उस रेट से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो बर्फ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जिस तरह से वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो इस तरह से वो क्या करेगा, एक अनलाइकली बिहेवियर शो करेगा। अनलाइकली बिहेवियर मतलब कुछ मतलब जैसा बिहेवियर प्लांट को शो करना चाहिए यूजुअली वो वैसा अब नहीं करेंगे, कुछ एक नया बिहेवियर शो करेगा जो उसको उसके लिए करना वो हार्मफुल हो सकता है। अगर बात करें हीटिंग से क्या हो सकता है, अगर जितना टेम्परेचर जितना सनलाइट चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए उससे ज्यादा टेम्परेचर उससे ज्यादा सनलाइट हम उस प्लांट को दे दें तो वो प्लांट मुरझा जाएगा। ये एक तरह का क्या है, रिस्पॉन्ड है हीटिंग के केस में। अगर हम बात करें कटिंग, तो किसी भी तरह से अगर हम प्लांट के किसी पार्ट को तोड़ दें या फिर प्लांट का पत्ता को तोड़ दें तो वो फिर भी एक तरह का रिस्पॉन्ड शो करेगा। क्या रिस्पॉन्ड शो करेगा? हो सकता है कि जिस पार्ट से हम पत्ता को तोड़ दिए वहां पे कभी नया पत्ता ग्रो ही ना करे, या हो सकता है वहां पे पत्ता ग्रो अगर करे तो वो उतना अच्छा ग्रो ना हो जितना अच्छा पहले हो रहा था।
तो ये भी एक तरह का रिस्पॉन्ड है। अगर बात करें कि किस तरह से टचिंग से क्या होता है, टचिंग से होता है जैसे कि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं टच मी नॉट प्लांट में, मिमोसा पुदीका में, कि टच करने से उसका सारा टर्नर प्रेशर, टच करने से ही वो क्या हो रहा था, उसकी जो मोटर सेल्स थे वो तुरंत अपने सारे पानी को रिलीज कर दे रहा था। पानी रिलीज करते ही सारा का सारा टर्नर प्रेशर कम हो जा रहा था। टर्नर प्रेशर जैसे ही कम हुआ वैसे ही प्लांट मुरझा गया, प्लांट क्या हुआ, बंद हो गया। तो ये भी एक तरह का रिस्पॉन्ड ही है। तो ये सारी चीजें के बारे में किसने बताया, आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने। ये सारे रिजल्ट करते हैं इनटू रिस्पॉन्स इन प्लांट। सेंसिटिविटी टेस्ट ऑन द मिमोसा एंड द डेस्मोडियम, ये दोनों के बारे में जो सेंसिटिविटी टेस्ट थी इसे भी किसने बताया था, आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट अगर बात करें एक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स ऑन प्लांट टिश्यूज, मतलब माइक्रोवेव्स का क्या काम है प्लांट टिश्यूज पे, हम ये जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में, जहाँ पे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे कि किस तरह से माइक्रोवेव्स का क्या रोल है, इसे अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे है, साइंटिफिक पैरेललिज्म बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल टिश्यूज एंड सो ऑन, मतलब इन्होंने और क्या बताया कि प्लांट में भी ऑब्वियसली दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एनिमल में भी चार तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो इन्होंने क्या बताया कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ ना कुछ पैरेललिज्म मतलब सिमिलैरिटीज, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है किसके बीच में, एनिमल टिश्यूज के बीच में और प्लांट टिश्यूज के बीच में। तो जब टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। अभी के लिए ये जान सकते हैं कि दोनों में एक सबसे कॉमन सिमिलैरिटी जो आती है वो ये है कि प्लांट में भी टिश्यू हो चाहे एनिमल में टिश्यू हो, दोनों टिश्यू किससे मिलकर बने हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स से, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर ये टिश्यूज बने हैं। ये सबसे पहला और सबसे सिंपल सिमिलैरिटीज बोल सकते हैं दोनों के बीच में। नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, ही कंक्लूडेड दैट प्लांट्स कैन फील पेन, अंडरस्टैंड अफेक्शन, मतलब ये बोल रहे हैं कि प्लांट को फील पेन को भी फील कर सकता है और अफेक्शन को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब पेन को फील करना मतलब क्या, अगर उसका पत्ता तोड़ दे रहे हैं उसको पता चल रहा है, उसको टच कर रहे तो तुरंत मुरझा जा रहा है, तो वो तो पेन को फील कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड है अंडरस्टैंड अफेक्शन, अफेक्शन वर्ड मतलब क्या हुआ, अफेक्शन वर्ड मतलब हुआ प्यार। अगर प्लांट को कोई अच्छे से पानी दे, उसका केयर करे, उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर डाले, तो उससे वो चीज़ का भी फील होता है कि मेरा कोई केयर कर रहा है। और जैसे उसे ये चीज़ की फील होती है कि उसका कोई केयर कर रहा है, वो तुरंत हरा भरा होकर निखर के ग्रो करता है, कौन, प्लांट। तो ये सब चीज़ों के बारे में किसने बताया, ये सब चीज़ों के बारे में बताया आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि प्लांट में किस तरह के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। तो प्लांट में तीन तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं, एक होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस पर डिपेंड करेगा, एक होगा जो स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में स्टिमुलस आ रहा है, और तीसरा जो होगा वो स्टिमुलस की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि जो स्टिमुलस आ रहा है वो एक सर्टेन अमाउंट ज्यादा है, कम है, या जितना चाहिए उतना ही है, और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होगा बॉडी में, किस तरह से बॉडी रिएक्ट करेगा प्लांट का, और किस तरह से प्लांट का बॉडी मूव करेगा, ये तीनों की वजह से ये हम जानेंगे एक एक करके। तो इसके बेसिस पे तीन में डिवाइडेड है मूवमेंट प्लांट के केस में, पहला है टैक्टिक मूवमेंट, दूसरा है ट्रॉफिक मूवमेंट और तीसरा है नास्टिक मूवमेंट। अगर बात करें टैक्टिक मूवमेंट की, तो टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन वेयर अ प्लांट कैन मूव फ्रीली और स्विंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, टेम्परेचर, केमिकल्स एक्सेट्रा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि स्टिमुलस तो हर किसी के पास है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा ही, प्लांट के पास भी जो स्टिमुलस आ रहा है वो उसको मूव करने पे, उसको मूवमेंट शो करने में फोर्स कर दे रहा है कि तुमको मूवमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये मूवमेंट के बेसिस पे किस तरह की मूवमेंट हो रही है, किस तरह का स्टिमुलस आ रहा है, जिस तरह का स्टिमुलस आएगा उस तरह का मूवमेंट प्लांट शो करेगा। तो हो सकता है कि मूवमेंट का तीन बेसिस है यहाँ पे, अगर नॉर्मल स्टिमुलस आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे टैक्टिक मूवमेंट, अगर स्टिमुलस का डायरेक्शन पे डिपेंड करना पड़ जा रहा है प्लांट के मूवमेंट को तो उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर स्टिमुलस के इंटेंसिटी पे डिपेंड करना पड़ रहा है प्लांट को तो उस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, नास्टिक मूवमेंट। तो सबसे पहले जो टैक्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, तो टैक्टिक मूवमेंट क्या कहता है, टैक्टिक मूवमेंट कहता है कि अगर जो स्टिमुलस आ रहा है, जो प्लांट को स्टिमुलस मिल रहा है, जो उसको सेंसेशन फील हो रहा है, अगर वो हीट, लाइट, टच या टेम्परेचर ये सब में से किसी की वजह से भी हो रहा है तो उसे हम कहेंगे टैक्टिक मूवमेंट। यहाँ पर डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, अगर डायरेक्शन की वजह से हो रहा है तो भी चलेगा, इंटेंसिटी की वजह से हो रहा है तो भी चलेगा, दोनों में से किसी की वजह से नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, लेकिन अगर स्टिमुलस आ रहा है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा, बॉडी मूव करेगा, और इस तरह के मूवमेंट को हम कहेंगे टैक्टिक मूवमेंट। अगर इसके फोटोटाइप्स के बारे में बात करें तो क्या है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या है, फोटोटैक्टिसिज्म भी बोलते हैं इसको, द इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन
इन द प्लांट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट इज कॉल्ड द फोटोटैक्टिज्म। मतलब ऐसा स्टिमुलस जो लाइट की वजह से आ रहा हो, जो लाइट स्टिमुलस में, अगर स्टिमुलस में बहुत सारे टाइप है, लाइट है, टेम्परेचर है, हीट है, प्रेशर है, बहुत कुछ। अगर स्टिमुलस में लाइट की वजह से आ रहा हो स्टिमुलस और बॉडी को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा हो, बॉडी को मूव करना पड़ रहा हो, तो ऐसे हम लोग टैक्टिक मूवमेंट को क्या बोलेंगे, फोटोटैक्टिक मूवमेंट या फिर फोटोटैक्टिज्म। क्या बोल रहा है, द इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन इन प्लांट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट, जो लाइट से इन्फ्लुएंस हो रहा है मूवमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे फोटोटैक्टिज्म। एग्जाम्पल, स्विमिंग ऑफ फ्लैमिडोमोनस वॉल्वोक्स टुवर्ड्स द लाइट बाय द फ्लैजेलर मूवमेंट। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फ्लैमिडोमोनस के बारे में, क्या है ये क्या करता है, जैसे इसे आगे मूव करना रहता है, ये अपना ये टेंटाकल्स को, इसको हमें टेंटाकल्स बोलते हैं, टेंटाकल्स से बोलना बेटर होगा फ्लैजेला। टेंटाकल्स सबसे कॉमन हो गया, लेकिन अगर इसके लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो सबसे स्पेसिफिक जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो होगा फ्लैजेला। तो यहाँ पे ये जो होता है फ्लैजेला, ये किसके केस में पाया जाता है, फ्लैमिडोमोनस के केस में। और ये क्या करता है, जैसे ही देखता है कि मेरे पास लाइट आ रहा है, लाइट स्टिमुलस से काम कर रहा है, तो ये क्या करता है, लाइट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जैसे देखता है कि इसके पास लाइट आ रहा है, ये लाइट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये लाइट की तरफ मूव करता है ना, ये फ्लैजेला इसको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। मतलब क्या करेगा फ्लैजेला, ये फ्लैजेला धीरे धीरे पानी को साइड करेगा और इसका बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये होता है लाइट के प्रेजेंस में। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, जैसे ही इसको आगे मूव करना होगा, इसका फ्लैजेला आगे बढ़ते हुए पानी को साइड करेगा, और जैसे जैसे ये पानी को साइड करते रहेगा, उसका बॉडी आगे की तरफ मूव करता होगा। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है। क्या बोला गया यहाँ पे, स्विमिंग ऑफ फ्लैमिडोमोनस वॉल्वोक्स टुवर्ड्स द लाइट बाय द फ्लैजेलर मूवमेंट। हालांकि यहाँ पे एक चीज गलत बोला गया है, वॉल्वोक्स, वॉल्वोक्स जो है ये फ्लैजेलर मूवमेंट शो नहीं करता, क्योंकि वॉल्वोक्स के पास फ्लैजेला नहीं होता, वो तो कॉलोनी में रहता है ना एक साथ, वो तो पूरा ग्रुप में रहता है, तो उसके पास फ्लैजेला नहीं होता। लेकिन क्लाइमिडोमोनस के पास फ्लैजेला होता है, वो फ्लैजेलर मूवमेंट शो करके ही पानी में आगे की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे और क्या दिया गया हुआ है, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जानने से पहले आज हम लोग टैक्टिक मूवमेंट तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे कौन डिपेंड करता है, किस तरह से ये मूवमेंट करने पे प्लांट को मजबूर करते हैं, किस तरह से मूवमेंट होता है, और आगे भी जानेंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंस है ट्रॉपिक, टैक्टिक और नास्टिक मूवमेंट में, ये भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।